तो चलिए, सुबह सुबह जब बनाना हो इंस्टेंट नाश्ता ब्रेकफास्ट आपको, तो आज वो ही बनाने जा रहे हैं हम। स्टार्ट करें मोम। ये मैंने हाफ बोल सूजी ली है। सूजी यदि मोटी है तो उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिए, थोड़ा सा बारीक करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसमें मैं 2 टेबल स्पून बेसन डाल रही हूँ। ये फ्रेश कर्ड है घर का, वो मैं डाल रही हूँ। 3 चम्मच यहाँ हाँ, तीन पर। से चार वो डाल दिए मैंने। अब इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे। सॉल्ट, नमक डाल रही हूँ मैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। ये हल्दी पाउडर, टर्मरिक्स, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन सीड्स पाउडर। ये गरम मसाला। गरम मसाला ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें पानी डालूंगी थोड़ा, और इसको विस्क कर लेंगे हम। विस्क आप कर सभी लूंगी। का स्वागत है जायका का तड़का हाय, में। हम आए हैं विद माय लवली मॉम विजय हल्दिया जी के संग, आपको दिखाने के लिए सुबह सुबह क्या नाश्ता बनाए ना, रोज नया चटपटा। आज वो लेके आई है आपके लिए ये जबरदस्त स्नैक, खाने में बहुत टेस्टी, हेल्दी और सभी को पसंद आने वाला है। और ये देखिए, अब विस्क इसको कर लेंगे हम। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। अच्छा इसके बाद आपके पास टाइम है तो इसको 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए रख दीजिए, ताकि सूजी अपनी फूल फूल जाएगी तो अच्छा बैटर बनेगा। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। मेरी ये एक अनियन है, हाँ, बारीक चॉप की एक अनियन है, ये गाजर है एक, जो भी वेजिटेबल जो भी आपके आपके घर में है ना, पास। आप वो डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये यही सब डालो। डालना है आपको। हाँ, ये कैप्सिकम हाँ, बारीक चॉप की हुई, ये स्वीट कॉर्न है, इनको मैंने पार बॉईल कर लिया है। जो भी आप खिलाना चाहते हो, आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल लीजिए। और ये धनिया पत्ता वो डाल दिया वाह। है मैंने। अब इसको हम और मिक्स देखिए कर क्या लेंगे। शानदार लग रहा है, फटाफट बनता है, इंस्टेंट बनता है। सूजी बेसन सभी के घर में होता है और कलरफुल भी बन गया 3-4 वेजिटेबल्स डालने से। सही है। और खाने में सच बता रही हूँ, टोमेटो सॉस या ग्रीन चटनी के संग ना मजा आ जाएगा इसको खाने में, गर्मा गर्म चाय के संग। ये अदरक हरी मिर्ची की पेस्ट है, ये डाल दी आप है चाहें तो जिंजर और मैं, ग्रीन चिली ग्रेट करके या वो काट के भी भी। डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं वो फ्रूट सॉल्ट इनो डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून। थोड़ा सा पानी डाला और ये यहां पर इसको मिक्स कर लिया है। यहां पर हमने पैन को भी गरम कर लिया है। मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी ऑयल, इसमें, घी, बटर, जिसमें बटर आप जिसमें बनाना चाहें बनाना आप चाहे बना बनाइए सकते हैं। उसमें। और बस अब ये देखिए, इसको स्प्रेड कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है पर मजा आता है इसको खाने में। और मम्मी छोटे छोटे बना रही हैं बच्चों को ताकि छोटे छोटे हम, पहन के अच्छे हाँ, लगते हैं। आप लंच बॉक्स में भी केक रखिए, बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा ना, बड़ा। अभी छोटे छोटे हो जाएंगे तो मल्टीपल लोग भी खा सकते खा हैं, सकते एंजॉय हैं। भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया नाश्ता बनाया ना, कलरफुल एकदम। अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। अब हम इसको सिकने देंगे, कौन सी फ्लेम पे मॉम? इसको मीडियम फ्लेम पर, अच्छा, और ये अब उसके ऊपर तेल डाल रहे हैं मीडियम टू लो, जिससे अच्छे से कुक हो जाएगा ये ऊपर तो तक। एकदम क्रिस्पी होने देंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और ये बन चुके देखिए, हैं। देखिए हमारे ये जबरदस्त, देखिए कितने बढ़िया है ना। कोई ब्रेड की जरूरत नहीं, कोई आटे की जरूरत नहीं, बेसन सूजी से बना दिया। ये सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी, गर्मा गर्म इसको सर्व करिए टोमेटो केचप और चटनी के संग, मजा आ जाएगा। अभी हम दूसरी साइड को भी क्रिस्प होने देंगे। थोड़ा सा तेल डाल देंगे इसमें और फिर उसके बाद क्रिस्प होके हम आपको दिखाते हैं कि एक फाइनल इसका लुक कैसा दिखता है। और ये स्लो फ्लेम पे ही करना है। हाँ देखिए स्लो। आप स्लो फ्लेम पे ये हमारी दूसरी साइड से भी सिक चुके हैं। और देखिए क्या बढ़िया शानदार एकदम क्रिस्पी बनते हैं कुरकुरे। इसको आप चाय के संग एंजॉय कर सकते हैं। अच्छे से इसको सेकिए दोनों साइड से। देखिए ये देखिए कितना शानदार लग रहा है, अगर क्लोजअप आपको दिखाएं। अब हम इसको सर्व कर देंगे यहाँ पर अच्छे से सेक के। या तो चलिए सर्व करते हैं और इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। मॉम के राज में आपको मिलेंगी ये जबरदस्त रेसिपीज। मम्मियों की यही तो खासियत होती है, नई नई रेसिपी भी बनानी पड़ती है पर वही अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के संग, ताकि घर वाले भी खुश रहें, काम भी आपका आसान रहे और खाने
खाने में सबको मजा भी आ जाए। ये हो गई अपनी रेडी हो गई है, देखिए क्या शानदार लग रहा है ना। तो मम्मी ने यहाँ पे बना दिया है ये जबरदस्त नाश्ता आपके लिए। थैंक यू सो मच मॉम फॉर अनदर वंडरफुल रेसिपी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मम्मी बहुत मेहनत करती है, हर मॉम ये सारी रेसिपीज बनाने में, तो अप्रिशिएट करिए, लाइक करिए, कमेंट्स में बताइए, ताकि जितना ज्यादा हम ग्रेटफुल होंगे उतनी नई नई रेसिपीज हमें मम्मियों से मिलती रहेंगी। तो एंजॉय करिए। बाय बाय एवरीवन।